जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, राधे राधे आप सबको। तो सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां। श्री कृष्ण भगवान की कृपा आप सब पे बनी रहे, राधा माता की कृपा आप सबके घरों पे बनी रहे। तो ये देखिए, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ है रखा हुआ, तो इस पे है मेरे कान्हा का झूला जो अभी मैं खोल रही हूँ। तो यह है कान्हा जी का झूला जो मैं उस दिन लाई थी, मैंने दिखाया था आपको, तो ये मैंने पैक किया हुआ था और आज मैं अभी इसको खोल रही हूँ। ये देखिए हमारे कान्हा जी का झूला, ये कान्हा जी का झूला अपनी जगह पे स्थापित हो गया। तो ये तो है बड़े कान्हा जी का झूला और यहाँ पे अभी छोटे कान्हा जी का झूला भी है। ये देखिए, ये है छोटा वाला झूला, यहाँ पे हमारे छोटे लल्ला। देखिए दोनों झूले लग गए। इस वाले झूले पे मैं राधा कृष्ण को रखूंगी, इस वाले झूले पे मेरे छोटे वाले कान्हा जी रहेंगे। सबसे पहले मैं स्नान करवा रही हूँ अपने छोटे से लल्ला जी का, चंदन का, और पंचामृत स्नान करवाया है मैंने कान्हा जी को, और कान्हा का हमने श्रृंगार भी कर दिया है। तो मैं कान्हा को रखती हूँ झूले पे। हे कान्हा जी, आप विराजमान हो जाइए अपने स्थान पे, छोटे से लल्ला हो गए हैं विराजमान। दूसरे लल्ला जी का भी स्नान करा दिया है और अब मेरी राधा रानी और मेरे कान्हा रह गए स्नान कराने को इनका। देखिए हमारे लल्ला जी का स्नान श्रृंगार हो गया है, तो ये हमारे लल्ला झूला झूलने के लिए बैठ गए यहाँ पे अपने आप। अब मैं करवा रही हूँ अपने राधा माता का स्नान। ये देखिए, मैंने अपने श्री कृष्ण चंद्र भगवान माता राधा के नाम का दीपक भी जला दिया है। ये वाला घी का दीपक है और ये अखंड कल सुबह तक के लिए है, ठीक है, जब तक मैंने कान्हा के नाम का केक नहीं काटा। यहाँ पे विराजमान हो चुके हैं मेरे राधे, ये मेरे शेम नागराजा भगवान है, इनका स्थान तो अलग ही है, ये झूला इन्हीं का ही है। यहाँ पे लगा है मेरे कान्हा जी का दरबार और यहाँ है माता रानी का, तो काफी टाइम लगा इतना दरबार सजाने में। तो ये माँ की गद्दी है इधर से और ये मेरे कान्हा की गद्दी है। वृंदावन माँ के बिहारी के नाम से मैं भगवान को यहाँ पे पूजती हूँ, तो ये मेरे वृंदावन से आए हैं प्रभु जी। मेरे भाग में भगवान की सेवा है तो मैं वैसे ही करती हूँ, भले कुछ मिले ना मिले, मिलता बहुत है, इतना मिलता है कि मैं संभाल भी नहीं पाती, फिर जब देते हैं भगवान तो क्या कहूँ। देखिए ये है मेरे वृंदावन बांके बिहारी राधा माता जो वहीं से आए हैं साक्षात मेरे पास। और फ्रेंड्स ये देखिए, ये है मटकी कान्हा जी का मक्खन रखने के लिए, इस बार मैं ये वाली मटकी भी लाई हूँ, छोटी सी मटकी है। देखिए कितनी सुंदर मटकी है ये, इसको अभी लटकाऊंगी मैं यहाँ पे अपने कान्हा जी के लिए। देखो ये दही हांडी है, इसमें थोड़ा सा मक्खन रखूंगी, दही रखूंगी। पहले मैं कान्हा जी की पूजा करूंगी फिर मक्खन बनाऊंगी। मेरे लल्ला जी आज बहुत सुंदर लग रहे हैं, हाँ मन कर रहा बस मैं अपने कान्हा को देखती रहूँ, नजर न लगे मेरे कान्हा को। मेरे वृंदावन बांके बिहारी भगवान की जय। कृष्ण के शरण में आके मैंने और जो कुछ होगा ये देखा है कि जो उसके मन में चिंताएं होती है ना, इंसान वो चिंताएं भूल जाता है और चिंतन में लग जाता है, और चिंतन भी ऐसा जिसमें बस कृष्ण 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 आत्मा है। कृष्ण भगवान खुद राधा के नाम का जप करते हैं, तो हमें भी पहले राधा 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 बोलना चाहिए। और ये है मेरी गाय माता, तो आज हम गाय माता को भी अपने कान्हा के साथ रखेंगे, क्योंकि गाय के बिना भी कान्हा जी अधूरे हैं, आज तो वह अपने पूर्ण स्वरूप में रहता है ना। व्रत मेरा आज का है लेकिन खोलेंगे हम कल सुबह कान्हा जी के लिए, पहले मक्खन का हम लोग केक काटते हैं उसके बाद ही हम व्रत खोलते हैं। उत्सव तो हम कल ही मनाएंगे, आज तो केवल हमारे कान्हा का जन्म होगा। तो ये हमारे कलश भगवान है जिनसे हम सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, और मैं अपने कृष्ण भगवान श्री राधा माता से यही प्रार्थना करूंगी, भगवान जो भी इस दुनिया में अकेले हैं सबको अपने शरणागत रखना, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना, जो भी दीन दुखी हैं दुखियारी हैं जिनके मन में चिंताएं हैं सबकी चिंताएं हरना भगवान, बस सबको अपनी शरण में रखना कृष्णा। मैंने अभी यहाँ पे सिर्फ चालीसा पढ़ी है और उसके बाद अब राहु काल लग गया है, तो राहु काल में पूजा नहीं करनी है मुझे। उस दिन मैं क्या लाई थी, ये कान्हा जी की चरण पादुकाएं हैं यहाँ पे, और कान्हा जी के लिए एक बोतल लाई थी पानी की, कान्हा जी को प्यास भी लगती रहती है ना, यहाँ ऊपर गर्मी भी काफी हो रही है, तो उस दिन मैं ये भी लाई थी चवन डोला, तो इससे कान्हा जी को हवा भी होती रहेगी। ये मैंने बनाया है कान्हा जी के लिए चरणामृत, तो मैं अभी कान्हा जी के लिए धनिया के लड्डू भी बनाऊंगी। पूजा तो मेरी हो गई है और अभी मुझे नीचे जाके मक्खन बनाना है, धनिया के लड्डू बनाने हैं, शाम के लिए प्रसाद बनाना है, खाना बनाना है, बहुत सारा काम है, बच्चे भी आने वाले हैं, तो मिलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। जय श्री कृष्णा। मैं जा रही हूँ फिर से ऊपर कान्हा जी के लिए पानी लेके और मक्खन मिश्री लेके, क्योंकि कान्हा जी को ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, प्यास लगी होगी, तो पानी देके आती हूँ और थोड़ा मक्खन मिश्री का भोग लगा के आती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कान्हा जी के लिए बनाया है फलाहार, क्योंकि आज कान्हा जी को फलाहार ही दूंगी, और मैंने तो सिर्फ फ्रूट्स खाए हैं, फलाहार अपने लिए नहीं बनाया, अब रात को बनाऊंगी। रात के लिए मैं ये साबुदाना भिगा रही हूँ, साबुदाने की खिचड़ी बनाऊंगी,
तो मैंने थोड़ा सा आलू का फ्लाहार बनाया कान्हा जी के लिए। इसमें मैंने सिर्फ सेंधा नमक डाला है और हरी मिर्ची का मैं इसमें तड़का मारा है। पानी ऊपर ही है, पानी ऊपर ही दे दूंगी। तुलसी का पत्ता रखना है किसमें भी। हाँ, अरे वाह, मजा आ गया। तो ये देखिए, यहाँ पे कान्हा के बर्थडे की तैयारी शुरू हो गई है और सारा फ्लाग गुब्बारे पर। गर्मी भी तो हो रही है। नहीं कोई बात है बेटा, एक दिन का होता है, भगवान जी का मन से करना चाहिए, है ना। कान्हा को हम देते हैं भोग। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ये है धनिया और इसके मैं बना रही हूँ लड्डू। घी में हम इसे भुनेंगे। यहाँ पे मैं धनिया पीस रही हूँ। ये बना है इतना सा। और अब मैं इसके लिए करूंगी गुड़ का पानी गरम, और इसमें थोड़ा गुड़ और नारियल डाल के इसको हम बट लेंगे लट्टू जैसे। तो देखिए, ये मैंने मक्खन बनाया है और इसको मैं गला रही हूँ। और कान्हा के लिए मैंने थोड़ा मक्खन धो के अलग रख दिया है। कान्हा का केक हम इसी मक्खन से ही बनाते हैं ना। ये कान्हा जी का केक हो चुका है रेडी और अब इसको मैं जमाने के लिए रखूंगी। तो यहाँ पे गैस भी खत्म हो गया है। सबसे पहले तो सिलेंडर ही चेंज करना पड़ेगा। जा रहा आप? जाओ फिर जाओ। तो चलो, गैस भी चेंज हो गया है। फिर से जा रही हूँ कान्हा जी के लिए दूध लेके। टाइम जो है कि 5 बज चुका है। ओह, और यहाँ देखिए गुब्बारे। ओह माय गॉड, अच्छा हुआ मैं आ गई यहाँ। ये देखो गुब्बारे, महाराज भी जो है कि उड़ उड़ के कान्हा के पास जा रहे हैं। वो देखो, वहीं पे मेरा दिया भी जल रहा है। कृष्ण 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 राधे राधे। ओह, वो देखो दो गुब्बारे ना, ये वाले दो गुब्बारे तो बिल्कुल ऐसे बैठे हैं कि हमें कान्हा के पास जाना ही जाना है। और अभी सारा तो डांस क्लास गई है, सारा आ जाएगी तो फिर हम इसे सजाएंगे यहाँ पे। फ्रेंड्स, टाइम हो चुका है, 6:30 होने वाले हैं। और अभी मैं आई हूँ ऊपर पूजा करने, और यहाँ पे है मेरी तुलसी माता। और अब अंदर का जरा मैं आपको दिखा दूँ। तो ये देखिए, हमारे कान्हा जी का बर्थडे रूम बिल्कुल सज चुका है और कान्हा जी वहाँ पे विराजमान है अपने झूले में। तो यहाँ पे है हमारे कान्हा जी, ये देखिए। और ये हमने कान्हा जी का रूम सजाया है इतना अच्छा। मैं हर साल अपने कान्हा जी का बर्थडे ऐसे ही मनाती हूँ। ये नहीं है कि मैं इसी साल ऐसे कर रही हूँ। इतना क्रेज मुझे अपने बच्चों का, खुद के बच्चों का बर्थडे का नहीं रहता है जितना मुझे कान्हा जी के बर्थडे का रहता है। क्योंकि शुरू से ही बड़े वाले कान्हा जी तो मैं अब लाई हूँ, लेकिन छोटे वाले कान्हा जी जब से मेरे पास आए हैं, मैंने अपने कान्हा का बर्थडे हमेशा ऐसे ही मनाया है। तो इसलिए मैंने किसी भी दिन पर मैं कान्हा जी को लाई हूँ, लेकिन बर्थडे में उनका जन्माष्टमी पे ही मनाती हूँ। अभी दिया नहीं जलाया, दिया जलाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ चुके हैं फिर से यहाँ पे पूजा करने के लिए। और अब पूजा की तैयारी बिल्कुल पूरी हो चुकी है, ये देखिए। और अभी का भोग तो मैंने यही बनाया, ये हैं धनिया के लड्डू, इतने ही बनाए मैंने, इतने ही बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, ठीक है। और ये है कान्हा जी के लिए मैंने थोड़ा गुड़ रखा हुआ है, और ये चूरन बनाया है, ठीक है। तो आज का भोग यही है। और ये है हमारे कान्हा नक्शू, और एक राधा रानी, और एक गोपी का, और यहाँ पे रिया आई है जिसको गोपी बनाया है, क्योंकि राधा के साथ एक गोपी भी जरूरी थी, और एक कान्हा जी भी। तो कान्हा है नक्शू, एक राधा, एक गोपी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है दही हांडी, और देखिए मैंने इसमें भरी है दही। तो ये कान्हा जी की दही हांडी है, और इस हांडी को मैं अभी वहाँ पे रख दूंगी रात भर के लिए, और कान्हा जी आएंगे जरूर और खाएंगे इसको जरूर। ये है कान्हा जी की दही हांडी। हाँ, तो ये दही हांडी मैं कान्हा जी के लिए यहाँ पे रख देती हूँ। तो ये दही हांडी हम रख देते हैं यहाँ पे, और देखिए पहले भी जाओ। हाँ बेटा, कान्हा जी खाते हैं। और फ्रेंड्स, इस बार देखिए कान्हा जी के लिए आया है ये वाला गिफ्ट, देखिए। और इसमें बहुत अच्छा गिफ्ट है मेरे कान्हा जी के लिए, ये देखिए। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार कान्हा जी के लिए ऐसा गिफ्ट आएगा, जो मैंने सोचा भी नहीं था वो हुआ। 3 कान्हा है और तीनों के लिए ही ये गिफ्ट आए हैं। कान्हा के बर्थडे पे ये कान्हा को भेजा है, पैसे दिए थे मुझे किसी ने, तो मैंने उन पैसों से ये लिया है। तो ये देखिए, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। और ये देखिए, ये है कान्हा की बांसुरी, और ये भी एक बांसुरी है। ये कितनी बड़ी बांसुरी है, चांदी का है ये सब। और ये कान्हा के हाथों के हैं, ये देखिए। और ये है कान्हा की पायल, हाँ मोरपंख, हाँ मोरपंख भी है इसमें। कानों के हैं कान्हा के, ये देखिए, ये वाले, ये छोटे छोटे कान्हा जी के गले का, कितना सुंदर है ना, ठीक है। तो ये अभी मैं कान्हा जी को ऐसे ही चढ़ा रही हूँ। तो ये बड़े कान्हा के हैं, ये छोटे कान्हा जी के हैं, और ये और भी छोटे कान्हा के हैं। तो तीनों कान्हा के लिए इस बार बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है किसी ने। तो आज कान्हा का बर्थडे था, इसलिए कान्हा के बर्थडे पे इतना सुंदर सा गिफ्ट आया है, मुझे इतनी खुशी हो रही है मैं बता नहीं सकती हूँ। कान्हा का गिफ्ट देख के
क्योंकि मैं काफी टाइम से खुद सोच रही थी कि ये सब लेना है कान्हा के लिए, लेकिन कान्हा की सबसे बड़ी कृपा मैंने यहीं पे देखी। ये जो आया है ना, ये बहुत अचानक से आया है, जो कि मैंने सोचा भी नहीं था। तो कान्हा जी उनकी भी मनोकामना पूरी करे जिन्होंने ये कान्हा के लिए भेजा है। तो ये है बांसुरी जो मैं कान्हा जी के हाथ में जरूर दूंगी। अभी मैंने जो गिफ्ट आया था उनकी तरफ से चढ़ा भी दिया है। तो अभी यहाँ पे राधा और गोपी करेंगे हमारे कान्हा जी के साथ नृत्य, बहुत अच्छा वाला नृत्य। श्री कृष्ण भगवान जी का एक नृत्य है छोटा सा, जो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। ये वाला जो नृत्य है ये मैम ने उन्हें सिखाया है और ये कान्हा जी का ही नृत्य है। सर अब सबसे पहले हम लोग करते हैं नमस्कार। शीश मुकुट बंसी मुख बाजे चपल नयन कुंडल चलके मोर मुकुट पीतांबर सोए मन मन मगनी उसके गिरिधर 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 माधव 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 कृष्णा 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 तो प्यारी जानी है राधा तो मन की रानी सैया तो कमाल का बातें भी कमाल की लगा रंग जोगिया हुई मैं तो बावरी भर भर रे प्रेम बंधन पायो कृष्ण पायो ये तेरा कन्हैया। तो फ्रेंड्स बच्चों ने डांस भी कर लिया था और अब मैंने पूजा भी कर ली है। तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे क्योंकि बच्चों के लिए खाना बनाना है और अपने लिए फलाहार बनाना है क्योंकि मैं तो कल सुबह खोलूंगी व्रत ना। तो फ्रेंड्स 10:30 हो चुके हैं और 10:30 बजे मैं कान्हा जी के लिए लाई हूँ एक बार फिर से भोग। जी देखिए इसमें मेरे बन रहे हैं छोले और इसमें मैंने चढ़ाई है खीर और इसमें बन रही है चाय। तो मैं अर्ली मॉर्निंग 4:30 उठ गई थी तो अभी मैं पूजा की साफ सफाई करके भी आ गई हूँ और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे खाना। खाना बनाने के बाद उसके बाद हम पूजा करेंगे फिर से, कान्हा जी की आरती करेंगे, उसके बाद मैं अपना व्रत तोड़ूंगी। तो मैं यहाँ पे गूंज रही हूँ पूरी का आटा। मैं बना रही हूँ अपने कान्हा जी के लिए हरे धनिया की चटनी और पता नहीं कौन से। गाइस आपको तो मम्मा ने ना कान्हा जी के लिए पुलिस का बैग लाया, उसमें ना 3 फ्लेवर सिर्फ, पाइनएप्पल कच्चा मैंगो और गुआवा सिर्फ और लीची। यहाँ पे मैं बना रही हूँ कान्हा जी के लिए दाल और आज मैं दाल ऐसे ही बना रही हूँ, सीधे तड़का मार के डाल रही हूँ। यहाँ पे छोले भी मेरे रेडी हो चुके हैं, दाल मेरी बन गई है, चावल मेरे बन गए हैं, खीर बन गई है, सूजी बन गई है, चटनी बन गई है और अब बस रह गया है पूरी। तो पहले मैं पूजा करूंगी उसके बाद बनाऊंगी पूरियां। 7:30 हो चुके हैं। जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे आप सबको। तो आज फिर से मैं आपका स्वागत कर रही हूँ एक नई सुबह में, कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन। केक कल रात नहीं काटा, केक अब आज काटेंगे हम, मक्खन का केक। कान्हा जी का बच्चे सो गए थे, जल्दी थक गए थे, इसलिए फिर मैंने सोचा बच्चों के साथ ही केक काटा जाएगा। फ्रेंड्स आज सुबह की पूजा मेरी शुरू हो गई है, तभी मैं भगवान जी की 40 पढ़ूंगी कृष्ण भगवान की और साथ में जप करूंगी भगवान के नाम का। और आज का जो सुबह का मैंने भोग बनाया है, हलवा और खीर बनाई है और फल रखा है साथ में। तो चलिए पहले पूजा कर लेते हैं उसके बाद हम कान्हा जी का केक काटेंगे। जमुना की लहरे वंशी वटकी चैया किसका नहीं है का कृष्ण कन्हैया है श्याम का दीवाना तो सारा ब्रज धाम श्याम का दीवाना तो सारा ब्रज धाम लोग करे मेरा को यूं बदनाम। ये देखिए अब केक कटने को तैयार है। ये है मक्खन का केक जो हम हर जन्माष्टमी पे कान्हा जी के लिए काटते हैं और कान्हा जी की पूजा तो हो गई है, आरती भी हो गई है और अब हम काट रहे हैं केक। तो चलो सारा आ जाओ यहाँ पर, आओ नक्शो आ जाओ बेटा, काटो 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 काटो। हैप्पी बर्थडे कान्हा, हैप्पी बर्थडे कान्हा, हैप्पी बर्थडे कान्हा जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। एक चॉकलेट बॉल लगा के सबसे पहले कान्हा जी को दो, सबसे पहले कान्हा जी को खिलाओ। कान्हा जी
पूरा खाना है, ठीक है? ये भगवान जी का प्रसाद है पूरा, इसमें मिश्री भी है चॉकलेट बॉक्स। और खा के बताओ कैसे हो रहा है। झुलाओ झुलाओ झुलाओ, एक बड़े को झुलाओ एक छोटे को झुलाओ। तो अभी सारा नच झुला रहे हैं, कान्हा जी को झुला आराम से बेटा है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये लाई हूं मैं कान्हा जी के लिए भोग। तो इसमें मैंने क्या क्या रखा है कान्हा जी के लिए, चने बनाए हैं, पूरी बनाई है, छोले बनाए हैं, खीर है और हरी चटनी है, धनिया की सलाद है। तो ये मेरे कान्हा जी का भोग है आज का। जय श्री कृष्ण राधे राधे। लो भाई कान्हा बस, अरे हमारे श्री कृष्ण भगवान की जय। ये गाय माता के लिए है, कान्हा के साथ ही रख रही हूँ। और अब मेरे कान्हा जी खाएंगे, मैं जा रही हूँ बाहर और ठाकुर जी भोग लगाएंगे। मेरे बांके बिहारी वृंदावन लाल भगवान, जय हो कृष्ण भगवान।